लोकसभा चुनावों के मद्देनजर पठानकोट पुलिस द्वारा शहर के सीमावर्ती और बाहरी इलाकों में ऑपरेशन कासो चलाया गया, जिसके संबंध में ज्यादा जानकारी देते हुए पुलिस थाना डिवीजन नंबर 1 के थाना मुखी देविंदर प्रकाश ने बताया कि चुनावों के मद्देनजर किसी भी तरह की कोई अनचाही घटना को रोकने के लिए पठानकोट पुलिस द्वारा आज सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, जिसके तहत खंडरनुमा इमारतों, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के पहचान पत्र और घरों की तलाशी ली गई है। सीनियर कप्तान पुलिस पठानकोट DSP सिटी सारे सीनियर अफसर के दिशा निर्देशों अनुसार, जिमें कि सानू पता है कि इलेक्शन का जो टाइम चल रहा और उस टाइम के कोई भी शरारती अंसर किसी तरीके की कोई गतिविधि ना कर सके, उस चीज़ को प्रिवेंट करने लिए जो अज कैस ऑपरेशन चलाया जा रहा, जिसे असं गुजरां के डेरे और अबेंडेंट बिल्डिंग्स और इदा ही जिदा झुग्गी झोपड़ी वाले जो अनरजिस्टर्ड लोग जो इतने रेंदे ने उन्होंने सारे की पछाण और उन्होंने तलाशी का अभियान चलाया गया। मेरे नाल SHO डिवीजन नंबर 2, SHO सुजान, SHO मलंगरपुर और SHO मोहन कैंट, नहीं फिलहाल कोई बरामद नहीं हो, बट जो बंदे इतने जिन्हें भी है सारे की लिस्ट बनाई है और उन्होंने फोटो की ताकि उन्होंने पछाण की जा सके। नमस्कार, दुनिया की बेहतरीन कैथ लैब व्हाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बुंगल च एस्टैब्लिश हो गई है। सीधा व्हाइट मेडिकल कॉलेज आओ, इलाज कराओ, सलाह रहा तुहाडा भरा तुहाडे दुख सुख च हाजिर है। धन्यवाद।